रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना बांझ, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। मेरी और उसकी मुलाकात आज से ठीक 2 बरस पहले अपोलो बंदर पर हुई। शाम का वक्त था, सूरज की आखिरी किरणें समंदर की उन दराज लहरों के पीछे गायब हो चुकी थीं, जो साहिल के बेंच पर बैठकर देखने से मोटे कपड़े की तहें मालूम होती थीं। मैं गेटवे ऑफ इंडिया के इस तरफ पहला बेंच छोड़कर, जिस पर एक आदमी चंपी वाले से अपने सर की मालिश करा रहा था, दूसरे बेंच पर बैठा था और जहां तक नजरें पहुंचती थी फैले हुए समंदर को देख रहा था। दूर, बहुत दूर, जहां समंदर और आसमान घुल मिल रहे थे। बड़ी बड़ी लहरें आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थी और ऐसा मालूम होता था कि बहुत बड़ा गदले रंग का कालीन है जिसे इधर से उधर समेटा जा रहा है। साहिल की सब लाइट्स रोशन है, जिनका अक्स किनारे के पानी पर कपकपाती हुई मोटी लकीरों की सूरत में जगह जगह रेंग रहा था। मेरे पास पथरीले दीवार के नीचे कई कश्तियों के लिपटे हुए बादबान और बांस हौले हौले हरकत कर रहे थे। समंदर की लहरें और देखने वालों की आवाज एक गुनगुनाहट बनकर फिजा में घुली हुई थी। कभी कभी किसी आने या जाने वाली मोटर के हॉर्न की आवाज बुलंद होती और यूं मालूम होता कि बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने के दौरान में किसी ने जोर से हूं की है। ऐसे माहौल में सिगरेट पीने का बहुत मजा आता है। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डिबिया निकाली मगर माचिस ना मिली, जाने कहां भूल आया था। सिगरेट की डिबिया वापस जेब में रखने ही वाला था कि पास से किसी ने कहा, माचिस लीजिएगा। मैंने मुड़कर देखा, बेंच के पीछे एक नौजवान खड़ा था। यूं तो बंबई के आम बाशिंदों का रंग पीला होता है, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक तौर पर पीला था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, आपकी बड़ी इनायत है। तो उसने कहा, आप सिगरेट सुलगा लीजिए, मुझे जाना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने झूठ बोला है, क्योंकि उसके लहजे से इस बात का पता चलता था कि उसे कोई जल्दी नहीं है और न उसे कहीं जाना है। आप कहेंगे कि लहजे से ऐसी बातों का किस तरह पता चल सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ। चुनांचे मैंने एक बार फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, तशरीफ रखिए। और ये कहकर मैंने सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। शौक फरमाइए। आप माने या ना माने, मगर मैं कसम से कह सकता हूं कि इस बार उसने फिर झूठ बोला। इस बार फिर उसके लहजे ने चुगली खाई और मुझे उससे दिलचस्पी पैदा हो गई, इसलिए कि मैंने अपने दिल में ठान ली थी कि उसे जरूर अपने पास बिठाऊंगा और अपना सिगरेट पिलवाऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें मुश्किल की कोई बात ही न थी, क्योंकि उसके 2 जुमलों ही ने मुझे बता दिया था कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसका जी चाहता है कि मेरे पास बैठे और सिगरेट पिए, लेकिन उसी वक्त उसके दिल में यह ख्याल भी पैदा होता है कि मेरे पास ना बैठे और मेरा सिगरेट ना पिए। चुनांचे हां और ना का ये झगड़ा उसके लहजे में साफ तौर पर मुझे नजर आया था। आप यकीन जानिए कि उसका वजूद भी होने और ना होने के बीच में लटका हुआ था। उसका चेहरा, जैसे कि मैं बयान कर चुका हूं, बेहद पीला था। उस पर उसकी नाक, आंखों और मुंह की बनावट इस कदर मध्यम थी जैसे किसी ने तस्वीर बनाई है और उसको पानी से धो डाला है। कभी कभी उसकी तरफ देखते देखते उसके होंठ उभर से आते, लेकिन फिर राख में लिपटी हुई चिंगारी के जैसे सो जाते। उसके चेहरे के दूसरी बनावट का भी यही हाल था। आंखें मिट्टी के पानी की तरह 2 बड़ी बड़ी बूंदे थी, जिन पर उसकी छोटी छोटी पलकें झुकी हुई थी। बाल काले थे मगर उनकी स्याही जले हुए कागज की जैसी थी।
करीब से देखने पर उसकी नाक का सही नक्शा मालूम हो सकता था, मगर दूर से देखने पर वो बिल्कुल चिपटी मालूम होती थी। क्योंकि जैसा कि मैं इससे पहले बयान कर चुका हूं, उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल ही मध्यम थी। उसका कद आम लोगों जितना था, यानी न छोटा न बड़ा। अलबत्ता जब वो एक खास अंदाज से, यानी अपनी कमर की हड्डी को ढीला छोड़ के खड़ा होता, तो इसके कद में साफ फर्क पैदा हो जाता। इस तरह जबकि वो एकदम खड़ा होता तो उसका कद जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ा दिखाई देता। कपड़े उसके खस्ता हालत में थे, लेकिन मैले नहीं थे। कोट की आस्तीनों के आखिरी हिस्से बहुत इस्तेमाल की वजह से घिस गए थे और धागे निकल आए थे। कॉलर खुला था और कमीज बस एक और धुलाई की मार थी। मगर इन कपड़ों में भी वो खुद को एक इज्जतदार अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कोशिश कर रहा था इसलिए कहा क्योंकि जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसके सारे वजूद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी और मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि वो अपने आप को मेरी निगाहों से ओझल रखना चाहता है। मैं उठ खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगा कर उसकी तरफ डिबिया बढ़ा दी। शौक फरमाइए, ये मैंने कुछ इस तरीके से कहा और फौरन माचिस सुलगा कर इस अंदाज से पेश की कि वो सब कुछ भूल गया। उसने डिबिया में से सिगरेट निकालकर मुंह में दबा लिया और उसे सुलगा कर पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन एकदम से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुंह में से सिगरेट निकालकर नकली खांसी के आसार हलक में पैदा करते हुए कहा, कैवेंडर मुझे रास नहीं आते, इनका तंबाकू बहुत तेज है, मेरे गले में फौरन खराशें पैदा हो जाती हैं। मैंने उससे पूछा, आप कौन सी सिगरेट पसंद करते हैं? मैं दरअसल सिगरेट बहुत बहुत कम पीता हूँ क्योंकि डॉक्टर अरोकर ने मना कर रखा है। वैसे मैं 3 फालू पीता हूँ जिनका तंबाकू तेज नहीं होता। उसने जिस डॉक्टर का नाम लिया वो बम्बई का बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसकी फीस 10 रुपए है और जिन सिगरेटों का उसने हवाला दिया उसके बारे में आपको भी मालूम होगा, बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। मेरा दिल बार बार कर रहा था कि उसका गिलाफ उतार दूं और उसके झूठ को बेनकाब कर दूं और उसे कुछ इस तरह शर्मिंदा करूं कि वो मुझसे माफी मांगे, मगर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो इस फैसले पर पहुंचा कि चलो छोड़ो, जाने दो। झूठ बोलकर चेहरे पर जो एक सुर्खी सी दौड़ जाया करती है मुझे नजर ना आई, बल्कि मैंने ये देखा कि वो जो कुछ कह चुका है उसको हकीकत समझता है। उसके झूठ में इस कदर सच्चाई थी, यानी उसने इतनी सच्चाई से झूठ बोला था कि उसको भी महसूस ना हुआ होगा कि वो झूठ बोल रहा है। खैर इस किस्से को छोड़िए, ऐसी बारीकियां मैं आपको बताने लगूं तो कई पन्ने काले हो जाएंगे और अफसाना बहुत सूख जाएगा। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने उसको राह पर लगाया और एक और सिगरेट पेश करके समंदर के दिल फरेब मंजर की बात छेड़ दी। चूंकि अफसाना निगार हूं इसलिए कुछ इस दिलचस्प तरीके पर उसे समंदर, अपोलो बंदर और वहां आने जाने वाले देखने वालों के बारे में चंद बातें सुनाई कि 6 सिगरेट पीने पर भी उसके हलक में खरखराहट पैदा ना हुई। इसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया तो वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आप मिस्टर, मैं आपके कई अफसाने पढ़ चुका हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप, अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वल्ला बहुत खुशी हुई। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा मगर उसने अपनी ही बात शुरू कर दी। हाँ खूब याद आया, अभी हाल ही में मैंने आपका एक अफसाना पढ़ा, टाइटल मैं भूल गया हूँ, उसमें आपने एक लड़की पेश की है जो किसी मर्द से मोहब्बत करती है मगर वो उसे धोखा दे गया। उसी लड़की से एक और मर्द भी मोहब्बत करता है जो अफसाना सुनाता है। जब उसे उस लड़की के मिजाज का पता चलता है तो वो उससे मिलता है और उससे कहता है, जिंदा रहो,
उन चंद घड़ियों की याद में अपनी जिंदगी की बुनियादें खड़ी करो जो तुमने उसकी मोहब्बत में गुजारी हैं, उस खुशी की याद में जो तुमने उन चंद लम्हात में हासिल की थी। मुझे असल डिस्क्रिप्शन तो याद नहीं रहा, लेकिन मुझे बताइए कैसा मुमकिन है। मुमकिन को छोड़िए, आप ये बताइए कि कहीं वो आदमी आप ही तो नहीं थे? क्या आप ही ने उससे कोठे पर मुलाकात की थी और उसकी थकी हुई जवानी को ओंघती हुई चांदनी में छोड़कर नीचे अपने कमरे में सोने चले आए थे? मुझे ऐसी बातें पूछनी नहीं चाहिए थी। वैसे भी अपने दिल का हाल कौन ही बताता है। इस पर मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली मुलाकात में सब कुछ पूछ लेना और सब कुछ बता देना अच्छा मालूम नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? वो जोश जो गुफ्तगू करते वक्त उसके अंदर पैदा हो गया था, एकदम ठंडा पड़ गया। उसने धीमे लहजे में कहा, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर क्या पता आपसे फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। इस पर मैंने कहा, इसमें शक नहीं, बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हमारी एक नहीं बहुत सी मुलाकातें हो सकती हैं। बेकार आदमी हूँ, यानी कहानी लिखने वाला। शाम को हर रोज इसी वक्त अगर बीमार ना हो जाऊं, आप मुझे हमेशा इसी जगह पर पाएंगे। यहाँ बेशुमार लड़कियां सैर को आती हैं, और मैं इसलिए आता हूँ कि खुद को किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकूं। मोहब्बत बुरी चीज नहीं है। मोहब्बत उसने इससे आगे कुछ कहना चाहा, मगर न कह सका और जलती हुई रस्सी की तरह आखिरी बल खाकर खामोश हो गया। मैंने तो यूं ही मोहब्बत का जिक्र किया था। दरअसल उस वक्त फिजा बड़ी दिलफरेब थी, हवा में ठंडक पैदा हो गई थी और फिजा पर एक कहानी जैसी कैफियत सी छा गई थी। किसी अजनबी औरत की नजदीकी की जरूरत महसूस हो रही थी। खुदा मालूम उसने किस अफसाने के बारे में मुझसे पूछा था। मुझे अपने सब अफसाने याद नहीं, और खास तौर पर वो तो बिल्कुल याद नहीं जो रोमांटिक है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम औरतों से मिला हूं। वो अफसाने जो मैंने औरतों के बारे में लिखे हैं, या तो किसी खास जरूरत की वजह से लिखे गए हैं, या महज दिमागी अय्याशी के लिए। मेरे ऐसे अफसानों में चूंकि सच्चाई नहीं है, इसलिए मैंने कभी उनके बारे में गौर ही नहीं किया। एक खास तबके की औरतें मेरी नजर से गुजरी हैं, और उनके बारे में मैंने चंद अफसाने लिखे हैं, मगर वो रोमांटिक नहीं है। उसने जिस अफसाने का जिक्र किया था, वो यकीनन कोई अदना दर्जे का रोमांटिक था, जो मैंने अपने चंद जज्बात की प्यास बुझाने के लिए लिखा होगा। लेकिन मैंने तो अपना अफसाना बयान करना शुरू कर दिया। हाँ, तो जब वो मोहब्बत कहकर खामोश हो गया, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मोहब्बत के बारे में कुछ और कहूं। चुनांचे मैंने कहना शुरू कर दिया, मोहब्बत की यूं तो बहुत सी किस्में हमारे बाप दादा बयान कर गए हैं, मगर मैं समझता हूं कि मोहब्बत चाहे मुल्तान में हो या साइबेरिया के बर्फीले मैदानों में, सर्दियों में पैदा हो या गर्मियों में, अमीर के दिल में पैदा हो या गरीब के दिल में, मोहब्बत खूबसूरत करे या बदसूरत, बद किरदार या कैरेक्टर वाला, मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है। इसमें कोई फर्क पैदा नहीं होता। जिस तरह बच्चे पैदा होने की सूरत हमेशा ही से एक सी चली आ रही है, इसी तरह मोहब्बत की पैदाइश भी एक ही तरीके पर होती है। ये अलग बात है कि सईदा बेगम अस्पताल में बच्चा जने और राजकुमारी जंगल में, गुलाम मोहब्बत के दिल में भंगन मोहब्बत पैदा कर दे और नटवरलाल के दिल में कोई रानी। जिस तरह बाज बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमजोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमजोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। बाज दफा बच्चे बड़ी तकलीफ से पैदा होते हैं, बाज दफा मोहब्बत भी बड़ी तकलीफ देकर पैदा होती है। जिस तरह औरतों का हमल गिर जाता है, इसी तरह मोहब्बत भी गिर जाती है।
बाज दफा बांझपन पैदा हो जाता है। इधर भी आपको ऐसे आदमी नजर आएंगे जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत करने की ख्वाहिश उनके दिल से हमेशा के लिए मिट जाती है या उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं रहता। नहीं, ये ख्वाहिश उनके दिल में मौजूद होती है, मगर वो इस काबिल नहीं रहते कि मोहब्बत कर सकें। जिस तरह औरत अपनी जिस्मानी खराबियों की वजह से बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, इसी तरह ये लोग चंद रूहानी खराबियों की वजह से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने की हिम्मत नहीं रखते। मोहब्बत का अबॉर्शन भी हो सकता है। मुझे अपनी गुफ्तगू दिलचस्प मालूम हो रही थी, चुनांचे मैं उसकी तरफ देखे बगैर लेक्चर दिए जा रहा था। लेकिन जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो वो समंदर के उस पार खालीपन में देख रहा था और अपने ख्यालात में गुम था। मैं खामोश हो गया। जब दूर से किसी मोटर का हॉर्न बजा तो वो चौंका और दिमाग को खाली करते हुए कहने लगा, जी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मेरे जी में आया कि उससे पूछूं दुरुस्त फरमाया है? इसको छोड़िए, आप ये बताइए कि मैंने क्या कहा है। लेकिन खामोश रहा और उसको मौका दिया कि वो अपने वजनी ख्यालात दिमाग से झड़क सके। मुझे अपनी गुफ्तगू बहुत अच्छी मालूम हुई थी। मैं चाहता था कि कोई मेरी बातें सुनता चला जाए। चुनांचे मैंने फिर से कहना शुरू किया, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाज आदमी भी मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं, यानी उनके दिल में मोहब्बत करने की ख्वाहिश तो मौजूद होती है लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस बांझपन की वजह रूहानी खराबियां हैं। आपका क्या ख्याल है? उसका रंग और भी पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये तब्दीली उसके अंदर इतनी जल्दी पैदा हुई कि मैंने घबरा कर उससे पूछा, खैरियत तो है, आप बीमार हैं? नहीं नहीं, तो मुझे कोई बीमारी बीमारी नहीं है। आपने कैसे समझ लिया कि मैं बीमार हूँ? मैंने जवाब दिया, इस वक्त आपको जो कोई भी देखेगा यही कहेगा कि आप बहुत बीमार हैं। आपका रंग खौफनाक तौर पर पीला हो रहा है। मेरा ख्याल है आपको घर चले जाना चाहिए। आइए, मैं आपको छोड़ आऊं। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मगर मैं बीमार नहीं हूँ। कभी कभी मेरे दिल में मामूली सा दर्द पैदा हो जाया करता है, शायद वही हो। मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। मैं थोड़ी देर खामोश रहा क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं था कि मेरी बात गौर से सुन सकता। लेकिन जब उसने जोर दिया तो मैंने कहना शुरू किया, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ होते हैं। मैं ऐसे आदमियों के जज्बात और उनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं उस बांझ औरत का ख्याल करता हूँ जो सिर्फ एक बेटी या बेटा हासिल करने के लिए दुआएं मांगती है, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाती है, और जब वहां से कुछ नहीं मिलता तो टोने टोटकों में अपना बच्चा ढूंढती है, शमशानों से राख लाती है, कई कई रातें जागकर साधुओं के बताए हुए मंत्र पढ़ती है, मिन्नतें मानती है, चढ़ावे चढ़ाती है, तो मैं सोचता हूँ कि उस आदमी की भी यही हालत होती होगी जो मोहब्बत के मामले में बांझ हो। ऐसे लोग वाकई हमदर्दी के काबिल हैं। मुझे अंधों पर इतना रहम नहीं आता जितना इन लोगों पर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो थूक निगलकर एकदम उठ खड़ा हुआ और परली तरफ मुंह कर कहने लगा, ओ, बहुत देर हो गई है, मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना था, यहाँ बातों में कितना वक्त गुजर गया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। वो पलटा और जल्दी से मेरा हाथ दबाकर, लेकिन मेरी तरफ देखे बगैर उसने, अब रुखसत चाहता हूँ, कहा और चल दिया। दूसरी मर्तबा उससे मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर ही पर हुई। मैं सैर का आदी नहीं हूँ, मगर उस जमाने में हर शाम अपोलो बंदर पर जाना मेरा दस्तूर हो गया था। एक महीने के बाद जब मुझे आगरा के एक शायर ने एक लंबा चौड़ा खत लिखा
जिसमें उसने अपोलो बंदर और वहां जमा होने वाली परियों का जिक्र किया और मुझे इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत कहा कि मैं बंबई में हूं, तो अपोलो बंदर से मेरी दिलचस्पी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब जब कभी कोई मुझे अपोलो बंदर जाने को कहता तो मुझे आगरा के शायर का खत याद आ जाता और मेरी तबीयत मतला जाती। लेकिन मैं उस जमाने का जिक्र कर रहा हूं जब खत मुझे नहीं मिला था और मैं हर रोज शाम को जाकर अपोलो बंदर के उस बेंच पर बैठा करता था जिसके इस तरफ कई आदमी चंपी वालों से अपनी खोपड़ियों की मरम्मत कराते रहते थे। दिन पूरी तरह ढल चुका था और उजाले का कोई निशान बाकी नहीं रहा था। अक्टूबर की गर्मी में कमी वाकई नहीं हुई थी, हवा चल रही थी थके हुए मुसाफिर की तरह। सैर करने वालों का हुजूम ज्यादा था, मेरे पीछे मोटरें ही मोटरें खड़ी थी, बेंच भी सबके सब पूरे थे। जहां बैठा करता था वहां दो बातूनी, एक गुजराती और एक पारसी न जाने कब के जमे हुए थे। दोनों गुजराती बोलते थे मगर अलग अलग लहजे में। पारसी की आवाज में दो सुर थे, वो कभी बारीक सुर में बात करता तो कभी मोटे सुर में। जब दोनों तेजी से बोलना शुरू करते थे तो ऐसा मालूम होता जैसे तोते मैंने की लड़ाई हो रही। उनकी खत्म न होने वाली बात से तंग आकर उठा और टहलने की खातिर ताजमहल होटल का रुख करने ही वाला था कि सामने से मुझे वो आता दिखाई दिया। मुझे उसका नाम मालूम नहीं था इसलिए मैं उसे पुकार न सका, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें ठहर गई जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। कोई बेंच खाली नहीं था इसलिए मैंने उससे कहा, आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हुई है, चलिए सामने रेस्टोरेंट में चल के बैठते हैं, यहाँ कोई बेंच खाली ही नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं आप, कितने बजे आया था? मैं भी काफी देर से घूम रहा हूँ लेकिन दिखे नहीं। उसने रस्मी तौर पर चंद बातें की और मेरे साथ हो लिया। चंद गजों का फासला तय किया, हम दोनों रेस्टोरेंट में बेद की कुर्सियों पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर मैंने उसकी तरफ सिगरेटों का टीन बढ़ा दिया। इत्तफाक की बात है मैंने उसी रोज 10 रुपए देकर डॉक्टर अरोलकर से मशवरा लिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि अव्वल तो सिगरेट पीना ही छोड़ दो और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छे सिगरेट पिया करो, मिसाल के तौर पर 555। चुनांचे मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये टीन उसी शाम खरीदा था। उसने डिब्बे की तरफ गौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाई, कुछ कहना चाहा मगर खामोश रहा। मैं हंस पड़ा। आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपके कहने पर यह सिगरेट पीनी शुरू की है। इत्तफाक की बात है कि आज मुझे भी डॉक्टर अरोलकर के पास जाना पड़ा क्योंकि कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। चुनांचे उसने मुझसे ये कहा कि ये सिगरेट पिया करो लेकिन बहुत कम। मैंने ये कहते हुए उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी ये बातें सच्ची नहीं लगी। चुनांचे मैंने फौरन जेब से वो नुस्खा निकाला जो डॉक्टर अरोलकर ने मुझे लिख कर दिया था। ये कागज मेज पर मैंने उसके सामने रख दिया। ये राइटिंग मुझसे पढ़ी तो नहीं जाती मगर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने विटामिन का सारा खानदान इस नुस्खे में जमा कर दिया है। उस कागज को जिस पर उभरे हुए काले हेडर में डॉक्टर अरोलकर का नाम और पता लिखा था और तारीख भी लिखी हुई थी, उसने चोर निगाहों से देखा और वो परेशानी जो उसके चेहरे पर पैदा हो गई थी फौरन दूर हो गई। चुनांचे उसने मुस्कुराकर कहा, क्या वजह है कि अक्सर लिखने वालों के अंदर विटामिन्स खत्म हो जाती हैं? मैंने जवाब दिया, इसलिए कि उन्हें खाने को काफी नहीं मिलता, काम ज्यादा है लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद चाय आ गई और दूसरी बातें शुरू हो गई। पहली मुलाकात और इस मुलाकात में गालिबन 2.5 महीने का फासला था। उसके चेहरे का रंग पहले से ज्यादा पीला था, आंखों के गिर्द काले गड्ढे पैदा हो गए थे। उसे गालिबन कोई तकलीफ थी जिसका एहसास उसे हर वक्त रहता था क्योंकि बातें करते करते बाज वक्त वो ठहर जाता था और उसके होठों में से एकदम से आह निकल जाती थी। अगर हंसने की कोशिश भी करता तो उसके होठों में जिंदगी पैदा नहीं होती थी। मैंने ये कैफियत देखकर उससे अचानक तौर पर पूछा,
आप उदास क्यों हैं? उदास एक फीकी सी मुस्कुराहट जो उन मरने वालों के लबों पर पैदा हुआ करती है जो दिखाना नहीं चाहते कि वो मौत से डरते हैं, उसके होंठों पर फैली थी। मैं उदास नहीं हूं, आपकी तबीयत उदास होगी। ये कहकर उसने एक ही घूंट में चाय की प्याली खाली कर दी और उठ खड़ा हुआ। अच्छा तो मैं इजाजत चाहता हूँ, एक जरूरी काम से जाना है। मुझे यकीन था कि उसे किसी जरूरी काम से नहीं जाना है, मगर मैंने उसे न रोका और जाने दिया। इस दफा फिर उसका नाम पूछ न सका, लेकिन इतना पता चल गया कि वो जहनी और रूहानी तौर पर बेहद परेशान था। वो उदास था, बल्कि यूं कहिए कि उदासी उसकी रगो रेशा में सरायत कर चुकी थी, मगर वो नहीं चाहता था कि उसकी उदासी का दूसरों को पता चले। वो दो जिंदगियां बसर करना चाहता था, एक वो जो हकीकत थी और एक वो जिसकी तखलीक में हर घड़ी हर लम्हा मसरूफ रहता था वो। लेकिन उसकी जिंदगी की ये दोनों पहलू नाकाम थे। क्यों, ये मुझे मालूम नहीं। इससे तीसरी मर्तबा मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर पर हुई। इस बार मैं उसे अपने घर ले गया। रास्ते में हमारी कोई बातचीत ना हुई, लेकिन घर पर उसके साथ बहुत सी बातें हुई। जब वो कमरे में आया तो उसके चेहरे पर चंद लम्हात के लिए उदासी छा गई, मगर वो फौरन संभल गया और उसने अपनी आदत के खिलाफ अपने आप को बहुत तरोताजा और बातूनी जाहिर करने की कोशिश की। उसको इस हालत में देखकर मुझे उस पर और भी तरस आ गया। वो एक मौत जैसी यकीनी हकीकत को झुटला रहा था, और मजा ये है कि इस खुद फरेबी से कभी कभी वो मुतमईन भी नजर आता था। बातों के दौरान में उसकी नजर मेरे मेज पर पड़ी। शीशे के फ्रेम में उसको एक लड़की की तस्वीर नजर आई। उठकर उसने तस्वीर की तरफ जाते हुए कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ये तस्वीर देख सकता हूँ? मैंने कहा, बेशक। उसने तस्वीर को एक नजर देखा और देखकर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छी खूबसूरत लड़की है, मैं समझता हूँ आपकी। जी नहीं, एक जमाना हुआ इससे मोहब्बत करने का ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ था, बल्कि यूं कहिए कि थोड़ी सी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो भी गई थी, मगर अफसोस है कि उसको उसकी खबर तक ना हुई और मैं नहीं बल्कि वो ब्याह दी गई। ये तस्वीर मेरी पहली मोहब्बत की यादगार है जो अच्छी तरह पैदा होने से पहले ही मर गई। ये आपकी मोहब्बत की यादगार है, इसके बाद तो आपने और भी बहुत से इश्क लड़ाए होंगे। उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। यानी आपकी जिंदगी में तो कई ऐसी नामुकम्मल और मुकम्मल मोहब्बतें मौजूद होंगी। मैं कहने ही वाला था कि जी नहीं, मैं भी मोहब्बत के मामले में आप जैसा बंजर हूँ, मगर जाने क्यों ये कहता कहता रुक गया और खामखा झूठ बोल दिया। जी हाँ, ऐसे सिलसिले होते रहते हैं। आपकी किताब इस जिंदगी भी तो ऐसे वाकयात से भरपूर होगी। वो कुछ न बोला, बिल्कुल खामोश रहा, जैसे किसी गहरे समंदर में गोता लगा लिया हो। देर तक जब वो अपने ख्यालात में डूबा रहा तो मैं उसकी खामोशी से उदास होने लगा। मैंने कहा, अजी हजरात, आप किन ख्यालात में गुम हो गए? वो चौंक पड़ा। नहीं, मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा, कोई बीती कहानी याद आ गई? कोई बिछड़ा हुआ सपना मिल गया? पुराने जख्म हरे हो गए? जख्म, पुराने जख्म, कई जख्म नहीं है, सिर्फ एक ही है, बहुत गहरा, बहुत कारी, और जख्म मैं चाहता भी नहीं, एक ही जख्म काफी है बस। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। वो मेरे कमरे में टहलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इस छोटी सी जगह में जहां कुर्सियां, मेज और चारपाई सब कुछ पड़ा था, टहलने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। मेज के पास उसे रुकना पड़ा।
तस्वीर को अब की दफा गहरी नजरों से देखा और कहा, ये चेहरा और वो चेहरा कितना मिलता जुलता है, मगर उसके चेहरे पर ऐसी कोई शोखी नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी थी, मगर इन आंखों की तरह उनमें शरारत नहीं थी, वो फिक्रमंद आंखें थी। ऐसी आंखें जो देखती भी हैं और समझती भी हैं। ये कहते हुए उसने एक सर्द आह भरी और कुर्सी पर बैठ गया। मौत एक ऐसी चीज जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, खासतौर पर उस वक्त तो जब ये किसी को जवानी में आए। मैं समझता हूं खुदा के अलावा एक ताकत और भी है जो बड़ी ही हासत है, जो किसी को भी खुश देखना नहीं चाहती। मगर छोड़िए इस किस्से को। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं आप सुनाते जाइए, लेकिन अगर आप ऐसा मुनासिब समझें, सच पूछिए तो मैं ये समझ रहा था कि आपने कभी मोहब्बत की ही ना होगी। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं? और अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी किताबें जिंदगी ऐसे वाकयात से भरी पड़ी होगी। ये कहकर उसने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो ये दुख मेरे दिल में कहां से पैदा हो गया? अगर मैंने मोहब्बत नहीं की है तो मेरी जिंदगी को ये रोग कहां से चिमट गया? मैं रोज मोम की तरह पिघला क्यों जा रहा हूं? बजाहिर ये तमाम सवाल वो मुझसे कर रहा था, मगर दरअसल वो सब कुछ अपने आप से ही पूछ रहा था। मैंने कहा, मैंने झूठ बोला था कि आपकी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात होंगे, मगर आपने भी झूठ बोला था कि मैं उदास नहीं हूं और मुझे कोई रोग नहीं है। किसी के दिल का हाल जानना आसान बात नहीं है। आपकी उदासी और बहुत सी वजहें हो सकती हैं, मगर जब तक मुझे आप खुद ना बताएं, मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकता हूं? इसमें कोई शक नहीं कि आप वाकई रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। आपको यकीनन बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और मुझे आपसे हमदर्दी है। हमदर्दी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो हमदर्दी उसे वापस नहीं ला सकती। उस औरत को मौत की गहराइयों से निकालकर मेरे हवाले नहीं कर सकती जिससे मैंने प्यार किया था। आपने मोहब्बत नहीं की, मुझे यकीन है आपने मोहब्बत नहीं की, इसलिए कि इसकी नाकामी ने आप पर कोई दाग नहीं छोड़ा। मेरी तरफ देखिए, कोई भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां मेरी मोहब्बत के नक्श मौजूद ना हो। मेरा वजूद खुद इस मोहब्बत की टूटी हुई इमारत का मलबा है। मैं आपको ये दास्तां क्यों सुनाऊं और कैसे सुनाऊं जब आप उसे समझ ही नहीं सकते? किसी का यह कह देना कि मेरी मां मर गई है आपके दिल पर वो असर पैदा नहीं कर सकता जो असर उसने उसके बेटे पर किया होगा। मेरी दास्तान मोहब्बत आपको बल्कि किसी को भी बहुत बहुत मामूली मालूम होगी, मगर उसका जो असर मुझ पर हुआ है उससे कोई आगाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो मोहब्बत मैंने की है और वो सब कुछ सिर्फ मुझ ही पर गुजरा है। ये कहकर वो खामोश हो गया। उसके हलक में तलखी पैदा हो गई थी क्योंकि वो बार बार थूक निगलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या वो आपको धोखा दे गई? क्या कुछ और हालात थे? धोखा? नहीं, वो धोखा दे ही नहीं सकती थी। खुदा के लिए धोखा ना कहिए, वो औरत नहीं फरिश्ता थी मेरे लिए। बुरा हो उस मौत का जो हमें खुश न देख सकी और हमेशा के लिए उसे अपने परों में समेट कर ले गई। आपने मेरे दिल पर खराशे पैदा कर दी है। सुनिए, अब सुनिए, मैं आपको अपनी दर्दनाक दास्तान का कुछ हिस्सा सुनाता हूं। वो
वो एक बड़े और अमीर घराने की लड़की थी। जिस जमाने में मेरी और उसकी पहली मुलाकात हुई, मैं अपने बाप दादा की सारी जायदाद अय्याशियों में बर्बाद कर चुका था। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। फिर बंबई छोड़कर मैं लखनऊ चला आया। अपनी मोटर चूंकि मेरे पास हुआ करती थी, इसलिए मैं सिर्फ मोटर चलाने का काम ही जानता था। चुनांचे मैंने उसी को अपना पेशा करार देने का फैसला किया। पहली नौकरी मुझे डिप्टी साहब के यहां मिली, जिनकी वो इकलौती बेटी थी। ये कहते कहते वो अपने ख्यालात में खो गया और एकदम खामोश हो गया। मैं भी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वो फिर चौंका और कहने लगा, मैं क्या कह रहा था? आप डिप्टी साहब के यहां मुलाजिम हो गए। हाँ, वो उन्हीं डिप्टी साहब की इकलौती लड़की थी। हर रोज सुबह 9 बजे मैं जुहरा को मोटर में स्कूल ले जाया करता था। वो पर्दा करती थी, मगर मोटर ड्राइवर से कोई कब तक छुप सकता था। मैंने उसे दूसरे रोज ही देख लिया। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसमें एक खास बात भी थी। बड़ी संजीदा और मतीन लड़की थी। उसकी सीधी मांग ने उसके चेहरे पर एक खास किस्म का वकार पैदा किया था। वो मैं क्या अर्ज करूं, वो क्या थी? मेरे पास अल्फाज नहीं है उसकी सूरत और सीरत को बयां करने के लिए। बहुत देर तक वो अपनी जुहरा की खूबियां बयान करता रहा। इस दौरान में उसने कई मर्तबा उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ऐसा मालूम होता था कि ख्यालात उसके दिमाग में जरूरत से ज्यादा जमा हो गए हैं। कभी कभी बात करते करते उसका चेहरा तिमतिमा उठता, लेकिन फिर उदासी छा जाती और वो आंखों में गुफ्तगू करना शुरू कर देता। वो अपनी दास्तान बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुना रहा था, जैसे खुद भी मजा ले रहा हो। एक एक टुकड़ा जोड़कर उसने सारी कहानी पूरी की, जिसका मतलब ये था जोहरा से उसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। कुछ दिन तो मौका पाकर उसका दीदार करने और तरह तरह के मंसूबे बांधने में गुजर गए, मगर जब उसने संजीदगी से इस मोहब्बत पर गौर किया तो खुद को जोहरा से दूर पाया, बहुत दूर। एक मोटर ड्राइवर अपने मालिक की लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता है? चुनांचे जब इस तीखी हकीकत का एहसास उसके दिल में पैदा हुआ तो वह मायूस रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया। कागज के एक पुर्जे पर उसने जोहरा को चंद लाइनें लिखी। ये लाइनें मुझे याद हैं। जोहरा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं तुम्हारा नौकर हूं। तुम्हारे वालिद साहब मुझे 30 रुपए माहवार देते हैं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये लाइनें कागज पर लिखकर उसने कागज उसकी किताब में रख दिया। दूसरे रोज जब वो उसे मोटर में स्कूल ले गया तो उसके हाथ कांप रहे थे। हैंडल कई बार उसकी गिरफ्त से निकल गया, मगर खुदा का शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट ना हुआ। उस रोज उसकी कैफियत अजीब रही। शाम को जब वो जोहरा को स्कूल से वापस ला रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने मोटर रोकने के लिए कहा। उसने जब मोटर रोक ली तो जोहरा ने निहायत संजीदगी के साथ कहा, देखो नईम, आइंदा तुम ऐसी हरकत कभी ना करना। मैंने अभी तक अब्बा जी से तुम्हारे इस खत का जिक्र नहीं किया जो तुमने मेरे किताब में रख दिया था, लेकिन अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मजबूरन उनसे शिकायत करनी पड़ेगी, समझे? चलो अब मोटर चलाओ। इस गुफ्तगू के बाद उसने बहुत कोशिश की कि डिप्टी साहब की नौकरी छोड़ दे और जोहरा की मोहब्बत को अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दे, मगर वो कामयाब ना हो सका। एक महीना इसी कश्मकश में गुजर गया। एक रोज उसने फिर जुर्रत से काम लेकर खत लिखा और जोहरा की एक किताब में रखकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि दूसरे रोज सुबह उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ।
शाम को स्कूल से वापस आते हुए जोरा उससे मिली। एक बार फिर उसने उसे ऐसी हरकतों से बाज रहने के लिए कहा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। उसका यह कहना था और नईम की सारी उम्मीदें गायब हो गईं। और उसने फैसला कर लिया कि वो नौकरी छोड़ देगा और लखनऊ से हमेशा के लिए चला जाएगा। महीने के आखिर में नौकरी छोड़ने से पहले उसने अपनी कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी में जोहरा को आखिरी खत लिखा। इसमें उसने निहायत दर्द भरे लहजे में उससे कहा, जोहरा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल कर सकूं, मगर मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, मगर मेरा ये दिल मेरे काबू में नहीं है। ये मेरा आखिरी खत है, कल शाम को मैं लखनऊ छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें अपने वालिद साहब से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी मेरी किस्मत का फैसला कर देगी, मगर ये ख्याल ना करना कि तुमसे दूर रहकर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। मैं चाहे जहां भी रहूं, मेरा दिल तुम्हारे कदमों में होगा। मैं हमेशा इन दिनों को याद करता रहूंगा, जब मैं मोटर आहिस्ता आहिस्ता चलाता था कि कहीं तुम्हें धक्का ना लग जाए। वैसे भी इसके सिवा मैं तुम्हारे लिए और कर ही क्या सकता था। ये खत भी उसने मौका पाकर उस किताब में रख दिया। सुबह को जोहरा ने स्कूल जाते हुए उससे कोई बात न की और शाम को भी रास्ते में उसने कुछ न कहा। चुनांचे वो बिल्कुल नाउमीद होकर अपनी कोठरी में चला गया। जो थोड़ा बहुत सामान उसके पास था बांधकर उसने एक तरफ रख दिया और लालटेन की अंधी रोशनी में चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि जोहरा और उसके बीच कितना बड़ा फासला है। वो बहुत मायूस था, अपनी पोजीशन उसे अच्छी तरह पता थी। उसे इस बात का एहसास था कि वो एक अदना दर्जे का नौकर है और अपने मालिक की लड़की से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी बेख्तियार उससे मोहब्बत करता है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? और फिर उसकी मोहब्बत फरेब तो नहीं? वो इसी उधेड़ बुन में था कि आधी रात के करीब उसकी कोठरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन फिर उसने ख्याल किया कि माली होगा, मुमकिन है उसके घर में कोई बीमार पड़ गया हो और वो उससे मदद लेने के लिए आया हो। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो जोहरा सामने खड़ी थी। जी हां, जोहरा। दिसंबर की सर्दी में शॉल के बगैर वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी जबान से कुछ ना निकला, उसके समझ में कुछ आया ही नहीं, क्या कहे। चंद लम्हात कब्र की सी खामोशी में गुजर गए। आखिर जोहरा के होंठ खुले और थरथराते हुए लहजे में उसने कहा, नईम, मैं तुम्हारे पास आ गई हूं, बताओ अब तुम क्या चाहते हो। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी इस कोठरी में दाखिल हो, मैं तुमसे चंद सवाल करना चाहती हूं। नईम खामोश रहा, लेकिन जोहरा उससे पूछने लगी, क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? नईम को जैसे ठेस सी लगी, उसका चेहरा तिमतिमा उठा। जोहरा, तुमने ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब अगर मैं दूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं मोहब्बत नहीं करता? जोहरा ने इस सवाल का जवाब न दिया और थोड़ी देर खामोश रहकर अपना दूसरा सवाल किया, मेरे बाप के पास दौलत है मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जो कुछ मेरा कहा जाता है मेरा नहीं है, उनका है। क्या तुम मुझे दौलत के बगैर भी वैसे ही अजीज समझोगे? नईम बहुत जज्बाती आदमी था, चुनांचे उस सवाल ने भी उसके वकार को जख्मी किया। बड़े दुख भरे लहजे में उसने जोहरा से कहा,
जरा खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें ना पूछो जिनका जवाब इस कदर आम हो चुका है कि तुम्हें थर्ड क्लास इश्किया नावलों में भी मिल सकता है। जहरा उसकी कोठड़ी में दाखिल हो गई और उसकी चारपाई पर बैठकर कहने लगी, मैं तुम्हारी हूं नईम और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। जहरा ने अपना कॉल पूरा किया जब दोनों लखनऊ छोड़कर दिल्ली चले आए और शादी करके एक छोटे से मकान में रहने लगे। डिप्टी साहब ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। नईम को नौकरी मिल गई थी इसलिए वो घर में नहीं था। डिप्टी साहब ने जोहरा को बहुत बुरा भला कहा, उनकी सारी इज्जत खाक में मिला गई थी। वो चाहते थे कि जोहरा नईम को छोड़ दे और जो कुछ हो चुका उसे भूल जाए। वो नईम को 2-3 हजार रुपए देने के लिए भी तैयार थे मगर उन्हें नाकाम लौटना पड़ा।